नमस्कार, मैं हूं रानी बैरागी। आप देख रहे हैं CD24 उज्जैन। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। गंगा दशमी के अवसर पर संतों की निकली पेशवाई। गंगा दशहरे के अवसर पर गुरुवार को शहर में विभिन्न आयोजन हुए। सुबह 7 बजे यहां सिंहस्थ पड़ाव स्थल नील गंगा सरोवर पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। नील गंगा चौराहा से एक पेशवाई निकाली गई जो सरोवर तक पहुंची। इस पेशवाई में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी, महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी सहित देश भर से आए नागा साधु संत शामिल हुए। जूना अखाड़े के साधु संतों ने इस अवसर पर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। यहां बता दें कि सिंहस्थ के बाद वर्ष 2017 से लगातार नीलगंगा घाट पर गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। शाम को यहां 108 फीट लंबी चुनरी अर्पण की जाएगी। आज दशहरा पे पेशवाई निकली और बहुत क्षेत्रफल में बहुत तो नहीं, हमारी ऐतिहासिक निकली और सभी लोगों ने गंगा स्नान किया, पूजन पाठ किया, समस्त उज्जैन के महात्मा शामिल हुए पेशवाई में गंगा स्नान। गंगा स्नान नील गंगा के नाम से ये क्षेत्र अमृतपुरा आदिकाल से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक मान्यता है हमारे सनातन धर्म के अंदर कि गंगा जब लोगों के पाप धोते धोते खुद थोड़ी सी मैली हो जाती है तो उस समय पर वो शिप्रा में आकर के अपने स्वयं का उद्धार करती है, और जब शिप्रा के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है तो उस समय पर खुद गंगा के रूप में गंगा पुनः अवतरण लेती है और शिप्रा तक का शुद्धि करती है। तो ये वो ऐतिहासिक स्थान है, ये वो पौराणिक स्थान है जो आदिकाल से पृथ्वी के प्रारंभ से है, पृथ्वी के जो कभी अंत होना ही नहीं है तब तक रहेगा, आदि से अनादि तक। आज के दिवस समस्त साधु संतों ने जुना अखाड़ा की तरफ से यहाँ पर स्नान करा, और स्नान का महत्व तो हमारे सनातन के अंदर एक उत्सव के रूप में, ये वैज्ञानिक भी है, धार्मिक भी है, परालौकिक भी है। हमारे जितने स्नान होते हैं उसमें सबसे महातीर्थ माना गया तो समुद्री स्थान को माना गया, और जहाँ तक सरोवरों का स्नान है इसके अंदर 72,000 अशों में व्यक्ति के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ताज का स्नान हमारे वैदिक रीति के अनुसार बेहद महत्व रखता है, और यहाँ जितने श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान करा निश्चय ही लोगों के उज्ज्वल जीवन की कामना है।